हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज संगीता। और मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे एक गवर्नमेंट क्वार्टर मिला था जो कि ये है, बट मैंने यहाँ से शिफ्ट करके एक इंडिविजुअल रूम ले लिया। एक अंकल आंटी रहते हैं उनके ऊपर एक रूम खाली था वहाँ पे। रीज़न इस मैं आपको रीज़न दिखाती हूँ, पहले तो मैं आपको रूम दिखा देती हूँ कैसा है। तो ये इसका एंट्रेंस था, दूसरी एंट्रेंस यहाँ से, और इसके अंदर सामान रखा हुआ है। ये फ़ैन ये मेरे जो नेबर्स थे उन्होंने दे दिया था, और ये एक्सटेंशन भी उन्हीं का है, ये मंजा भी उन्हीं का है, फोल्डिंग ये भी उनका है, और ये जो मेरे क्लर्क थे उन्होंने मुझे जो ये बेडशीट दे दिया था, और ये चेयर्स भी उनकी है। और ये बैक साइड है, मतलब इन्होंने यहाँ पे ना पूरा वरांडा या फिर बेड़ा कह लो वो बनाया हुआ है। ये किचन है, किचन का एक्चुअली हालत ऐसी थी तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ पे इस कंडीशन में कुक कर पाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा साफ़ होता ना तो मैं कर लेती, या फिर थोड़ा टाइल वगैरह लगी होती, तो ऐसे कंडीशन में तो मतलब खाना नहीं बना पाएंगे ना, मैं खा भी नहीं सकती ऐसी जगह पे बना हुआ। और जो किचन का टैप भी नहीं है, पाइप भी नहीं नीचे। रूम्स इसमें तीन रूम है, एक सबसे पीछे है ये है, और एक ये जिससे मैंने एंटर की थी, और ये नहाने वाला रूम था, ये वॉशरूम है। फिर एक्चुअली इशू ये है कि ये देखो, अब आपको ना वो वॉल दिख रही है, उसके पीछे एक गली है या क्या है, आई डोंट नो। वो बोल रहे गली नहीं है, सीवरेज के लिए कुछ उन्होंने जगह छोड़ी है, बट स्टिल मतलब रात में कोई भी आ सकता है, किसी का हु नोस। और यहाँ पर ये भी ओपन है, या फिर यहाँ पे अगर जाली लगी होती तो ठीक रहता ना, ऐसे वॉल होती, यहाँ पे एक डोर होता तो मैं कुंडी खोल के पीछे जा सकती थी, रात में बंद कर सकती थी, बट ये रात में पूरा ओपन है और ये जंगल टाइप है, तो मेरे को थोड़ा रात में, मैंने एक रात स्टे किया था, मेरे को पूरी रात नींद ही नहीं आई वहाँ पर। तो मैं एक रात रही हूँ, मतलब खुद के रिस्क पर मैं आई थी, मैंने कहा मैं स्टे करके देखती हूँ कैसा फील होता है। अरे मेरे को रात में ना, मैंने ये वाला डोर है ये मैंने खोला ही नहीं, मैं निकली नहीं साइड को बाहर ना, इतना अंधेरा ऐसा जंगल टाइप का, मतलब डर सा लग रहा था। फिर नेक्स्ट डे मेरे फादर आए, उन्होंने बोला कि नहीं यू विल नॉट स्टे हियर, तो हम लोग एक अलग रूम ले लेते हैं वहाँ पर रहना। मैं कहा ठीक है जी। तो अभी मेरे को ये सामान उनको वापस करना है, उनको थैंक यू वगैरह बोलना है, क्योंकि उन्होंने रातों रात मेरे लिए ये सारा अरेंजमेंट किया, फ़ैन वैन अरेंज कर दिया, लाइटें लगा दी उन्होंने। मुझे मतलब देखना था कि मैं रहती हूँ और कैसा फील होता है, क्योंकि दिन में तो मैंने ऑफिस में रहना होता है, और सिर्फ रात काटनी थी मुझे कि वो पीसफुल होनी चाहिए, उसमें ऐसा कुछ रिस्क नहीं होना चाहिए, यू शुड फील सेफ अगर आप वहाँ पर हो। वैसे मैं बोलूँ तो अगर मुझे ये मन नहीं था कि मैं ये रूम छोड़ दूँ, बट मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से दिलवाया है मुझे, ऐसा नहीं कि उन्होंने इजीली दिलवा दिया, उन्होंने इतने लेटर वेटर लिखे मेरे लिए उसके बाद जाके, क्योंकि ना ये जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होते हैं, लोग मतलब अपना कैंसिल नहीं करवाते हैं और उनके बिल्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर, तो उन्होंने फिर भी मेरे लिए अरेंज करवाया था। सो आई एम थैंकफुल टू देम, बट वही है सेफ्टी इशू लगा मुझे, गर्मी भी बहुत है यहाँ पर, पसीने पसीने हो जाती हूँ। मेरी धूप थी तो मैंने सोचा आइसक्रीम खाती हूँ, तो मैंने आइसक्रीम ले ली थी 20 रुपीज़ की, और मैं इसी रास्ते से जा रही थी। अब मैं शिफ्ट हो गई हूँ, जहाँ पे पहले रह रही थी वहाँ पे नहीं रह रही हूँ, इंडिविजुअल रूम ले लिया है, क्वार्टर में नहीं रह रही हूँ। तो रास्ता दिखा देती हूँ मैं आपको, बड़े ही पास है, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे ना ऑफिस से, तो मैं यहाँ पे रास्ते में जा रही थी और पीर बाबा जी का था मंदिर, ये उन्होंने मुझे प्रसाद दिया है। मुझे लगी थी आधी रात को भूख, क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने सोचा क्या मंगाऊँ, तो मैंने मैक्रोनी मंगाई है अपने लिए लापिनो से, मैं दिखाती हूँ। भूख लग रही थी यार, अकेले बंदे को देख लिया मैंने कितनी भूख लगती है, तो यहाँ पे मैं मैगी बनाने आ गई थी। मेरे को एक ना रिग्रेट हो रहा है यार, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने मैगी खाई है, काश मैं थोड़ा सा रुक जाती तो मैं अभी ये बारिश में मैगी खा रही होती। मेरे अंदर इतना करेज नहीं है कि मैं दोबारा जाकर मैगी बनाऊंगी, आई एम सेटिस्फाइड, आई विल एंजॉय द वेदर एंड बस, अच्छा लग रहा है बड़ा।
तो मैं ना मैं अपने आप को वैसे भी ज़्यादा बारिश होती विश्व सुंदरी समझती थी, मतलब बारिश में ना आई यूज़ टू डांस लाइक दिस, वही मैं कर रही थी ऐसे, तो मैं पूरा ऐसे 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 पूरा राउंड लेके से डांस करती थी, तो पूरी फीलिंग लेती थी। अब मेरे पास एक लौता फ़ोन है जिसकी मैंने स्क्रीन तोड़ी थी अभी लास्ट मंथ और 3,000 की लगवाई थी, और अभी मैं फिर से इसको गीला कर रही हूँ और ख़ुद भी भीग रही हूँ। मुझे लग रहा है ये भी जाने वाला है, आज के बाद कोई व्लॉग नहीं आने वाला, ये आखिरी व्लॉग है मेरा।